नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल और आप देख रहे हैं इनके अनबॉक्सिंग। आज की इस वीडियो में साउंड लॉजिक की तरफ से एक ब्लूटूथ और टच लाइट कंट्रोल्ड स्पीकर का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पे टच सेंसर कंट्रोल्ड कलर लाइट ब्राइटनेस यहाँ मेंशन किया हुआ है, हाईलाइटेड है, और ये वायरलेस है, मतलब ब्लूटूथ सपोर्टेबल है, और बिल्ट इन माइक भी है, मतलब इससे आप कॉल भी ले सकते हैं, और यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। और ये इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे 7 मल्टी कलर्स मोड है, मतलब 7 कलर का ये जलेगा। और यहाँ पे और भी कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, और इधर भी वही मतलब मेंशन है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ डीमेबल लाइट भी है, इंटरमीडिएट, और यहाँ पे ब्राइट लाइट भी जलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स की पैकिंग काफ़ी अच्छे से की गई है, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, और अंदर और भी कुछ है। ये यूज़र मैनुअल आपको मिलता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं भी इसको रखता हूँ। और ये कुछ केबल्स हैं, जैसे कि ये ऑक्स केबल है और ये चार्जिंग केबल है। अडेप्टर आपको नहीं मिलता है, अडेप्टर आप किसी भी अडेप्टर से चार्ज कर सकते हैं, तो मैं इस साइड सारे को साइड में रखता हूँ। और स्पीकर देख लेते हैं, तो स्पीकर ये जो ग्रिल है ये मेटल की है और बाकी सारा प्लास्टिक है, ताकि आपको लाइट अच्छे तरह से दिख सके। और यहाँ पर साउंड लॉजिक मेंशन किया गया है, और यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑक्स केबल लगा सकते हैं, और माइक्रो एसडी कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे मोड बटन है, आप इसके मोड को स्विच कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स पे मेंशन किया गया था, जैसे कि ये ब्लूटूथ में है तो ब्लूटूथ में आप कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रो एसडी कार्ड से लगाना चाहते हैं तो माइक्रो एसडी कर सकते हैं, और ये ऑक्स केबल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये दूसरा बटन है ये साउंड गाना को आगे बढ़ाने के लिए, और थोड़ा देर अगर ज़्यादा देर प्रेस करके रखिएगा तो साउंड बढ़ेगा। और एक बार इसको ये वाला अगर कॉल आता है तो आप यहाँ से एक बार दबा करके इसको पिकअप कर सकते हैं। और यह प्ले पाउस का भी बटन है, और ये है माइनस वॉल्यूम माइनस का बटन, और ये जो है साउंड गाना को पीछे करने के लिए है। और जो ये वाला बटन है, ये बटन इसके लाइट्स कंट्रोल करने के लिए है, मतलब इसके लाइट्स को आप वो कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जैसे एक कलर में कर सकते हैं। और यहाँ पर पीछे इसको हैंग करने के लिए दिया गया है, और ये रबड़ पैड्स दिए गए हैं, और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है। आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ऑन करने पे ये कुछ साउंड करता है, जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे कि आप सुने यही साउंड आता है ऑन करने पर। और इसको ब्लूटूथ मोड में ले जाने के लिए आपको ये मोड बटन को एक बार प्रेस करना है, बस एक बार, और ये कुछ और भी साउंड करता है, जैसे कि आपने सुना। अब ये मतलब कि पहले अगर ये जिस भी मोबाइल से कनेक्ट रहता है और उसका ब्लूटूथ ऑन रहता है तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपको शुरू में आपको कनेक्ट करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना है। उससे पहले आप अपना मोबाइल ले लें और यहाँ से ब्लूटूथ सेटिंग ऑन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। ब्लूटूथ में खोलना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पहले से किया हुआ था, इसलिए कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड होने के बाद इसमें लाइट भी इसमें एक आवाज़ भी आता है। तो चलिए पहले आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद इसके लाइट के बारे में बताऊंगा। तो मैं ये वाला सॉन्ग को प्ले करता हूँ, मेरा माइक थोड़ा दूरी पे है इसलिए मैं आपको माइक के सामने ले जा करके इसका आवाज़ सुनाता हूँ।
जैसा कि आपने सुना इसका बेस भी है, थोड़ा बहुत बेस आता है, ज़्यादा बेस नहीं है। तो चलिए इसको मैं आपको लाइट के बारे में दिखाता हूँ कैसे इसका लाइट काम करता है। यहाँ पे आपको एक बार टच करना है तो ये फर्स्ट डिमेबल लाइट में जाता है, और फिर दूसरा बार टच करेंगे तो थोड़ा सा और ब्राइट होगा, तीसरे बार में फुल ब्राइटनेस पे आ जाता है ये। तो और उसके बाद इसका कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से दो सेकंड के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है, प्रेस नहीं मतलब टच करके रखना है तो ये कलर चेंज होता है। उसके बाद इसमें दो मोड्स भी दिए गए हैं लाइट के चेंजिंग का मोड्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टच करिए तो देखिए आप कलर इसका चेंज होता है। ये टच है, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको टच है ये। और जो ये वाला वाइट मोड में जाता है तो ये देखिए अपने आप इसका कलर अपने आप चेंज होता रहता है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे टच भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, देखिए मैं रख देता हूँ, इसका कलर अपने आप चेंज होता है। और उसके बाद जो दूसरा वो इसके बाद जो मोड आता है वो मोड आप देख सकते हैं क्या काम करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे एक बार टच किया आप यहाँ पे तो ये ऑफ हो जाता है, लेकिन ये ऑफ नहीं होता है। आप इसमें जैसे ही मतलब कोई भी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो उसके आवाज पे ये मतलब लाइट करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जितना ज्यादा लाइट रहेगा उतना मतलब इसका लाइट ग्लो करेगा, नहीं तो कम लाइट पे कम ग्लो करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ज्यादा लाइट हो गया फुल, तो ये ज्यादा आ रहा है, ज्यादा लाइट कर रहा है। तो ये 1499 के हिसाब से ये इसका जो साउंड और इसका जो लाइट का फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और टच कंट्रोल है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसे 999 में लिया था, जो कि बिग बिलियन डे से चल रहा था, तो उसके सेल पे मैंने लिया था। तो अगर आपको मिलता है 999 में तो आप ज़रूर से ले सकते हैं, और 1499 पे भी ये आपका कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये काफ़ी अच्छा मतलब ये ब्लूटूथ स्पीकर है, और इसका लाइट भी अगर आप इसके लाइट के हिसाब से लेना चाहते हैं, सिर्फ लाइट टेबल लैम्प के हिसाब से, टेबल लाइट के हिसाब से, तो आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आपके बारे इसके बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, तो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।